हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बच्चों, हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी में आगे हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन है बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, उसमें पॉइंट वाइज हम लोग लर्न करेंगे। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट टू शो दैट अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। टेक अ थिक वायर, थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर एंड फिक्स इट इन सच अ वे दैट द पोर्शन ए बी ऑफ द वायर इज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। बच्चों, दिस इज द फिगर, वी हैव वायर ए बी। ओके, सो नाउ यू सी अ प्लॉटिंग कंपास एम इज प्लेस्ड अंडर द वायर ए बी एंड द टू एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू अ बैटरी थ्रू अ स्विच। वेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द वायर द कंपास नीडल इज पैरेलल टू द वायर ए बी एंड पॉइंट्स इन यूजुअल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बच्चों, वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डायग्राम और दिस डायग्राम, दिस टू आर सेम, वन एंड द सेम ओनली। यहाँ पर बच्चों पहले एक वायर लेना है, टेक अ वायर, और अगर इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे बच्चों बाई यूजिंग दिस बैटरी, बैटरी पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू दिस पॉइंट एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द अपोजिट पॉइंट। सो इफ द करंट इज फ्लोइंग इन दिस वे एंड थ्रू दिस वायर एंड इन दिस कनेक्टिंग वायर एंड दिस बैटरी एंड एक्सटर्नल सर्किट, दिस इज द फ्लो ऑफ करंट। सो इसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बच्चों, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल लाइक दिस, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी लुकिंग लाइक दिस, सर्कुलर लूप। कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में प्लेस करना है और बाकी फिंगर्स को कर्ल करना है कंडक्टिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में, तो दैट रिमेनिंग फिंगर्स विल कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रिमेनिंग फिंगर विल कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बच्चों, दिस इज क्लॉकवाइज। ये सारे लूप्स कैसे बन रहे हैं? दीज आर क्लॉकवाइज, दीज आर क्लॉकवाइज। अगर सेम चीज को बच्चों हम अंडरस्टैंड करें, यहाँ पर बैटरी का पोलैरिटी हमने रिवर्स कर दिया, दिस साइड पॉजिटिव एंड दिस साइड नेगेटिव, सो करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा। सो अगेन यू पुट द थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल द रिमेनिंग फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड दैट विल बी सेंसिंग इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। सो बाकी फिंगर्स जो है बच्चों वो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे कंडक्टर को होल्ड करने के लिए। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड बच्चों। और ऑर्स्टेड ने क्या कहा? ऑर्स्टेड ने कहा कि अगर एक थिक वायर आप ले रहे हैं यहाँ पर, इफ़ यू हैव अ थिक वायर एंड दिस इज अ कॉपर वायर, और इसमें करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है बच्चों, इफ़ यू आर ब्रिंगिंग अ कंपास नीडल, इफ़ यू आर ब्रिंगिंग अ कंपास नीडल, कंपास नीडल भी एक मैग्नेट ही है बच्चों, कंपास नीडल इज ऑल्सो अ मैग्नेट ओनली। जब कंपास नीडल को आप इसके सराउंडिंग में ला रहे हैं, वेन यू आर ब्रिंगिंग दिस कंपास नीडल इन द सराउंडिंग ऑफ दिस वन, सो वॉट विल हैपन? दिस कंपास नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड, दिस कंपास नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड। सो यू कैन ड्रॉ दिस पिक्चर, कंपास नीडल। सो इफ दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। सो जब इसको बच्चों करंट करिंग वायर के सराउंडिंग में लाएंगे तो दिस विल डिफ्लेक्ट, दिस विल डिफ्लेक्ट। So when no current is flowing in the wire, the compass needle is parallel to the wire AB and points in the usual north-south direction. और जब वायर में कोई करंट नहीं है बच्चों, सपोज यहाँ पर करंट जीरो है, तो ये जो कंपास नीडल है, दिस कंपास नीडल विल सिंपली पॉइंट पैरेलल, दिस इज साउथ नॉर्थ और नॉर्थ साउथ बोल सकते हैं बच्चों, दिस विल बी पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन। सो ये जो मैग्नेट है, दिस विल बी सिंपली इन दिस डायरेक्शन if there is no current flowing through this wire. So next to this, बच्चों यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग, the deflection of the compass needle by current carrying wire in the above experiment
shows an electric current produces magnetic field around it. डिफ्लेक्शन जो होता है बच्चों कंपास नीडल में, उससे यह बात का पता लगता है कि जब भी वायर में करंट फ्लो होगा तो दैट करंट करिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. करंट करिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. So next, it is the magnetic field which deflects the compass needle placed near the current carrying wire. बच्चों यह magnetic field ही तो है जिसके कारण कि जब किसी भी wire में current flow हो रहा होता है तो वह current carrying जो conductor है उसके influence की वजह से compass needle जो है वह deflect करता है. अगर बच्चों current carrying wire की वजह से magnetic field produce नहीं होता तो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होता. ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो कंपास नीडल है वो भी एक मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है और करंट करिंग वायर जो है बच्चों वो भी एक मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है. सो जब दो मैग्नेट को नजदीक में लाएंगे बच्चों, व्हेन वी विल ब्रिंग टू मैग्नेट्स क्लोज टू ईच अदर, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा. सपोज वी हैव टू मैग्नेट, एक मैग्नेट इस तरह से है बच्चों, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, और दूसरा मैग्नेट है बच्चों, सपोज दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ यहाँ पर फेस कर रहा है इसको और साउथ इधर है, तो दोनों मैग्नेट का अपोजिट पोल्स जो है एक दूसरे को फेस कर रहा है यहाँ पर, एक का साउथ दूसरे के नॉर्थ को फेस कर रहा है. सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. यहाँ पर एक दूसरे को ये क्या करेंगे बच्चों, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. सो इट डिपेंड्स कि एक पोल, एक मैग्नेट का अगर मान लीजिए साउथ पोल है, दूसरे मैग्नेट का बच्चों यहाँ पे अगर साउथ पोल और यह नॉर्थ पोल है, सो दिस साउथ साउथ विल रिपेल ईच अदर. यहाँ पर बच्चों सिमिलर पोल्स जब होंगे तो देर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो यहाँ पर रिपल्सन फोर्स होगा, देर विल बी रिपल्सन फोर्स. ठीक है बच्चों, सो दिस इज रिपल्सन. नेक्स्ट टू दिस, If we reverse the direction of electric current flowing in the wire AB by reversing the battery connection, we will find that the compass needle is deflected in opposite direction, and this shows that when we reverse the direction of current flowing in the wire, then the direction of magnetic field produced by it is also getting reversed. बच्चों जो वायर में करंट फ्लो हो रहा है, अगर उस करंट के डायरेक्शन को ही अगर हम रिवर्स कर दें, कैसे रिवर्स करेंगे, तो जो बैटरी हमने उस वायर के अक्रॉस कनेक्ट किया है उसकी पोलैरिटी को जो है अगर रिवर्स कर दें हम, तो इससे क्या होगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा. जैसे अगर आपने यहाँ पे पहले, सपोज हियर यू आर कनेक्टिंग, यहाँ पे पहले इस तरफ करंट पास करा रहे बच्चों इस डायरेक्शन में, सो इस चीज़ को समझिए यहाँ पे डायग्राम से. जैसे अपने पास एक वायर था और उस वायर में हम करंट पास करा रहे थे, जैसे दिस इज़ अ वायर, सो इफ़ द करंट इज़ फ्लोइंग इन दिस वे, इट मीन्स कि ये जो वायर है इसके अक्रॉस बैटरी बच्चों यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव ऐसे कनेक्टेड है. ठीक है, तभी तो पॉजिटिव से करंट निकला और इस तरह से ये जो ए बी सेक्शन ऑफ वायर है इसमें करंट ऐसे फ्लो हुआ. अगर आप बच्चों करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करना चाहते हैं इसमें, इस ए बी कंडक्टर में, तो यहाँ पर आप सिंपली करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं. कैसे, तो यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे नेगेटिव कनेक्ट कर दीजिए. इफ़ यू विल डू लाइक दिस, सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, सो यहाँ पर बच्चों इस तरह से करंट फ्लो होने लगेगा. अंडरस्टूड? सो इफ यू आर रिवर्सिंग द बैटरी टर्मिनल, करंट डायरेक्शन विल रिवर्स, सो वी विल फाइंड दैट द कंपास नीडल इज डिफ्लेक्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन, एंड दिस शोज दैट व्हेन वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द वायर, देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ऑल्सो गेटिंग रिवर्स. अगर करंट इस कंडक्टर में बच्चों इस तरह से फ्लो हो रहा है, आप देखिए यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया था, डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे, अगर ऊपर से नीचे की ओर फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सराउंडिंग टू दिस वायर किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. अगर करंट नीचे से ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, इफ दिस इज ए टर्मिनल, दिस इज बी टर्मिनल, जब ए टू बी, तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों क्लॉकवाइज में है, और जब बी टू ए करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. सो करंट जैसे ही डायरेक्शन चेंज करेगा बच्चों, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग द कंडक्टर विल आल्सो चेंज. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट,
So we completed up to this point, experimental demonstration. So next to this, bachon, we are going to discuss magnetic field pattern. That we will discuss in the next video. So in this video, this much only. Thank you.